आयुर्वेदिक यूनानी तिबिया कॉलेज के अंदर 100 बेडेड कोरोना के लिए फैसिलिटी बनाई गई थी, टेम्परेरी फैसिलिटी मिली और स्टैंड बाई पर रखा गया था इसको। इस बारी लकीली जरूरत नहीं पड़ी है, बट अभी भी इसको मेंटेन करके रखेंगे। बहुत शानदार फैसिलिटी है, आईसीयू बेड्स भी हैं और सारे बेड्स के ऊपर ऑक्सीजन का प्रोविजन किया गया है और यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट भी लगाया गया है। अब पूरी यूनिट को हम डिसमेंटल नहीं कर रहे हैं, इसको हम स्टैंड बाई पर रखेंगे। हॉस्पिटल इसको यूज़ करता रहेगा, अगर कभी भी दोबारा से पेंडेमिक आता है देन वी यूज़ फॉर पेंडेमिक पर्पज, अदरवाइज आयुर्वेदिक एंड यूनानी टीबिया कॉलेज ये 100 बेड अपना यूज़ करता रहेगा। सभी बेड्स के ऊपर वेंटिलेटर की सुविधा दी गई है, 18 बेड का आईसीयू बनाया गया है, तो फैसिलिटी सारी दी गई। ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने 100 बेडेड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया है और बड़ा ही क्विकली ये हॉस्पिटल तैयार किया गया है। इसकी ज़रूरत हम लोगों ने महसूस की थी जिस वक़्त कोविड पेंडेमिक की सेकेंड वेव थी, जब हमारे यहाँ पर करीब करीब 240 पेशेंट एडमिट थे और काफ़ी पेशेंट सीरियस हो रहे थे और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, आईसीयू बेड्स की ज़रूरत थी, उस तरह की डेफिशिएंसी यहाँ पे नोटिस की गई थी। उस बात को पूरा करने के लिए क्विकली ये 100 बेडेड हॉस्पिटल बनाया गया है जो कि फुल्ली एयर कंडीशनड है। अब जब कोविड का समय नहीं है, हम इस हॉस्पिटल को एक इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल की तरह रन करेंगे।